नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ती ने गोटे गांव सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने से परहेज किया, जबकि कोरोना महामारी के चलते उनके आधिकारिक दौरे में अस्पताल का निरीक्षण प्रमुख रूप से शामिल था। अब मंत्री अस्पताल क्यों नहीं गए, इसको लेकर लोगों में निराशा है, क्योंकि गोटे गांव अस्पताल कोरोना महामारी के साथ ही मेडिकल स्टाफ संसाधनों की किल्लत के साथ अन्य खामियों से संकटग्रस्त है। लोगों को अपने सांसद और मंत्री से काफी अपेक्षाएं थी। आज वो अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए कुछ सौगातें देंगे। वो गोटे गांव में कोरोना महामारी से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने गए थे। उन्होंने रेस्ट हाउस में कोरोना महामारी से निपटने स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए कुलस्ते ने कहा कि संपूर्ण भारत के साथ पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है। महामारी से निपटने केंद्र सरकार लोगों की हर संभव मदद के लिए आगे आ रही है। इस महामारी से आगामी संभावित खतरों को देखते हुए अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। वर्तमान में ऑक्सीजन की जो क्राइसिस चल रही है, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने हर संभव प्रयास करते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सफलता हासिल की है। गोटेगांव अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने और मेडिकल स्टाफ बढ़ाने पर हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं गोटेगांव में शव वाहन देने पर केंद्रीय मंत्री के द्वारा पहले की गई घोषणा पर अब तक वाहन उपलब्ध न होने के सवाल पर मंत्री आज भी कोई स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए नजर आए। महामारी के संकट में अभी उभरा है और अभी वैज्ञानिकों का मानना है कि तीसरी लहर भी सामने है। क्या योजना है सरकार की? देखिए, जितना हम बेहतर कर सकते हैं, ये जो हमारी है ये सारा देश और विश्व के अंदर है। हम लोग है जितना बेहतर करने का प्रयास देश भर में जो स्थिति है, और इसलिए मैंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कारण मैं थोड़ा सा नज़दीकी से देखने का प्रयास कर रहा हूँ। परंतु आपको ध्यान होगा कि ऑक्सीजन का जो क्राइसिस था, वो धीरे धीरे हमारे यहाँ से हमने पूरे देश भर को और मध्य प्रदेश को हमने उसको सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया है। जितने हमारे पास संसाधन थे, टैंकर हैं, राज्य सरकार ने जितना हमको प्रोवाइड किया है उतना हमने सप्लाई किया है। तो एक अच्छी बात ये है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस इस विषय को लेकर के चला है देश भर में, और अभी सामान्य स्थिति में हम आ गए हैं। मध्य प्रदेश में गाँव के अंदर भी हम देख रहे हैं, और नरसिंहपुर में अभी बैठेंगे, बातचीत करेंगे, पर यहाँ की जो भी परिस्थिति आज हमारे पास है, जो उपलब्धता है गुडे गांव हॉस्पिटल का या इस पूरे क्षेत्र के लिए, तो पर्याप्त मात्रा में दोनों चीज़ों का। और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर 30 बेड विथ ऑक्सीजन हम यहाँ अभी स्थापित करने वाले हैं। तत्काल उसकी व्यवस्था हम करेंगे, ताकि जो व्यवस्था हम अभी तक कर पाए हैं तो और हमारे 20 बेड पड़ जाएंगे, तो मुझे लगता है गोटेगांव के लिए पर्याप्त हो जाएगा। सर, गोटेगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य को देने का तय हुआ था, परंतु क्या है, हम लोगों ने पूरे इस कोविड में पूरा ग्रांट हमने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को दिया है। जिस व्यवस्था को आप देख रहे हैं, इससे ही अभी अनाउंस किया है कि ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने का प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से तय हुआ है। तो ये सब हम लोगों के कंट्रीब्यूशन से, सहयोग से हो रहा है, और इसलिए इसको लेकर के देश भर में और अभी 551 ऐसे टच लगाना है, अलग अलग है, हर जिलों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान लग रहा है। तो थोड़ी कठिनाई तो होती है, परंतु ये हमको थोड़ा धैर्यता के साथ में इस बात को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टाफ सही है, कम है, परंतु हमने एक निर्णय किया है अभी कि तत्कालिक रूप से जितने भी हमारे पास अभी एडहॉक में जो कलेक्टर रेट है, इस पर चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, इनकी सबकी भर्ती के लिए हमने कलेक्टरों को अधिकार दिया है, और कलेक्टर एडवर्टाइज करें, वो तत्काल कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा मिलता है जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करता है, वो उसकी भर्ती करने का फैसला किया है, ताकि इस संकट से हम जो बेहतर कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तत्काल हम बाहर से कोई डॉक्टर तो आज नहीं मिल पाएगा, MBBS के लिए 5 साल लगते हैं, तो इस प्रकार की कठिनाई है। तो
और इसीलिए जो हमारे पास आज की तारीख में संसाधन है उसी आधार पर हम जितना अच्छा कर पा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ इस खबर में इतना ही, बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।